और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 01 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक होटल दिखाई देता है और वहाँ पर जो लिन होता है ना और वो जो लियो होती है उसके साथ में, मतलब ये लोग रूम के लिए आए होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिन जो अपना कार्ड दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को ना दो रूम चाहिए। बट हम देखते हैं वो जैसे ये कर रहा होता है तभी हम देखते हैं जो ली होती है ना डायरेक्टर ली, वो कह रही होती है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगती है कि एक रूम बहुत है और जो पैसे हैं वो वेस्ट मत करो, ठीक है वन रूम काफ़ी है, इनफ होगा। अब वो जैसे ये बात बोलती है लिन को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा होता है, मतलब ब्लसिंग वगैरह करने लगता है और कहने लगता है कि क्या सच में, क्या तुम श्योर हो, मतलब वो उससे दोबारा कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा होता है, क्या तुम सच में श्योर हो ना कि एक रूम काफ़ी है, मतलब एक रूम के लिए ये दोनों साथ में। अब हम देखते हैं जो लियो होती है वो कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, जब तुम मेरे साथ काम करते हो मतलब डिपार्टमेंट में, तब क्या हम लोग साथ में नहीं होते। अब वो जैसी बात बोलती है लिन को भी थोड़ा लग रहा होता है कि हाँ यार बात तो सही है, अब मुझे भी लग रहा होता है कि हाँ बात तो सही है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है फिर एक ही रूम बहुत है, दूसरे रूम की जरूरत नहीं है, वन इज इनफ। अब हम देखते हैं वो कार्ड से पेमेंट वगैरह कर देता है। अब हम देखते हैं ये लोग जो है अपने रूम में आते हैं और रूम का जो दरवाज़ा है वो ओपन करते हैं। अब यहाँ पे रूम जो है मतलब साफ़ सुथरा होता है और मतलब बहुत ठीक ठाक होता है, नॉर्मली काफ़ी बड़ा होता है और ये लोग खुश जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है वो कहने लगती है कि क्या तो फिर क्या तुम शावर लेना चाहोगे। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए ना पानी लगा देती हूँ। अब वो ऐसा बोल के मतलब जाने लगती है पानी वगैरह लगाने के लिए। तभी हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं वो अपना मतलब सूटकेस चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली चौहान होती है ना वो आती है और इसे मतलब इसके पास आ चुकी होती है। अब लिन कह रहा था कि क्या सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। अब मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भाई जो ली होती है वो इसे पकड़ के मतलब खींच लेती है। फिलहाल हम देखते हैं वो आके इसे मतलब हक कर लेती है और कह रही होती है कि लिन नहीं। अब यार ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि आखिर इस ली चौहान ने लिन को मतलब हक क्यों कर लिया। फिलहाल हम देखते हैं लिन जो इससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्या नहाने वगैरह नहीं जाना चाहती क्या। वो कहने लगता है देखो भिखाओ जाने में ना मतलब टाइम लग जाएगा, तो तुम जल्दी जाओ और नहा धो लो। बट हम देखते हैं वो उसे मना कर देती, कह रही थी कि नहीं मेरे को नहीं जाना। अब हम देखते हैं लिन जो इससे पूछ रहा होता है क्यों नहीं जाना, देखो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। फिलहाल लिन यहाँ पर शर्मा भी रहा होता है, कह रहा था कि चलो जाओ जाके नहा लो ठीक है, फिर हम लोग जो है साथ में भिखाओ टाउन जाएंगे। बट हम देखते हैं वो कहने लगती है कि तो फिर तुम भी मेरे साथ नहाओ। अब भाई ये बात क्यों भूला इसने। तभी हम देखते हैं लिन जो यहाँ पे शर्मा जाता है, कह रहा था क्या मैं तुम्हारे साथ। अब ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वो ली चौहान कह रही थी कि हाँ जा हाँ तुम भी। तभी हम देखते हैं लिन कहने लगता है कि अच्छा फिर मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ। हम देखते हैं लिन जो है इसे कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिन जो है टब मतलब टब के पास आता है और देख रहा होता है पानी चेक कर रहा था, कह रहा था कि यार पानी तो ठीक है, मतलब पानी का जो मतलब लेवल है वो तो ठीक ठाक है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर तुम पहले नहा लो। अब लिन जो है इससे ये कह रहा होता है कि तुम पहले नहा लो। वो आती है इसके पास। अब मुझे नहीं पता क्यों भाई इसका जो पैर है वो स्लिप हुआ या फिर इसने जानबूझ के स्लिप किया, कि तभी हम देखते हैं ये लिन को मतलब साथ में लेके पानी के टब में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं ये दोनों साथ में डुबकी मार लेते हैं और यहाँ पे पानी पानी हो चुका होता है। खैर पानी पानी हो गया मैं तो। तभी हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि अरे यार तुमने मेरे कपड़े भी नहीं उतरवाए। अब लिन जो है यहाँ पे मतलब बता रहा होता है कि तुमने मेरे कपड़े भी नहीं उतारा, मेरे को पानी में डुबा दिया। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर ली कहने लगती है कि ठीक है फिर मैं खुद से उतार देती हूँ, मतलब मैं उतार देती हूँ। अब ये जैसी बोलती है ना लिन तो यहाँ पे घबरा जाता है, कह रहा था कि भूल जाओ यार मैं खुद से उतार दूंगा, मैं खुद से नहा लूंगा, तुम खुद से नहा लो। अब लिन जो यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा होता है कि तुम खुद से नहा लो ठीक है मैं चला। बट हम देखते हैं जो ली होती है वो इसे मतलब इसकी पैंट में हाथ डाल देती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं उतार देती हूँ। अब वो जैसी पैंट में मतलब पकड़ती है ना, और तभी जो लिन होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब उसे नीचे पकड़ के गिर देती है और कह रही होती है कि अगर तुम एक बार फिर से हिले ना तो अब की बार क्या उतरेगा वो पता नहीं मुझे। अब ये जैसी बात बोलती है लिन घबरा जाता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो ली चौहान होती है वो धीरे धीरे करके जो लिन है उसके कपड़े उतार रही होती है और नहरा मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, इन लोगों का फिर से रोमांस स्टार्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहेगा। तभी हम देखते हैं जो ली चौहान होती है वो कह रही थी कि लिन नहीं ये मेरे लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। अब भाई ये मतलब बोल भी रही है साथ में कह रही है टफ भी है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मुझे लग रहा है ना कि मुझे रोस्टिंग का चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल हम देखते हैं लिन क्या रहता है कि देखो वो तुम ही थी ना जिसने पहले मुझे अप्रोच किया, फिर तुम्हें टफ क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ब्राइटनेस दिखाई देती है ताकि हम लोग कुछ देख ना सके, ये बहुत बड़े दुष्ट इंसान है, खैर मारने का मन करता है इन्हें। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर टपाटप की आवाज़ आ रही होगी जो कि तुम लोग गैस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे दिल दिखाई दे रहे हैं और बहुत तेज आवाज़ आज आने लगती है। सॉरी। खैर कोई बात नहीं, ये सब हटाओ यार। फिलहाल थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है वो कह रही थी कि क्या तुम्हारे पास और भी कोई काम है। वो कहने लगती है कि देखो मेरे को ना तुम्हारे साथ मतलब अपनी मम्मी के ग्रेवयार्ड पर जाना है, मतलब कब्र के पास जाना है, तो अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब वो इससे पूछ रही होती है। लिन कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ ही तो जाने के लिए आया हूँ।
लिन कह रहा होता है कि चलो ठीक है, हम डिले नहीं करते, कल सुबह मॉर्निंग में चलेंगे। अब लिन जो है ऐसा बोल रहा था, तभी हम देखते हैं उसके फ़ोन पर कॉल आती है, और ये और किसी का नहीं, मतलब वही जो मीडिया टीम नहीं थी उसके ही फ़ोन होता है। वो कह रही होती है कि हेलो मिस्टर लिन, देखो मेरा मूड आज ठीक नहीं है, मैंने बहुत सारे ड्रिंक कर लिए, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? अब लिन जो है ली चूहान को देख रहा होता है, अब वो मतलब पैरों में कुछ पहननी होती है, इसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट हम देखते हैं। लिन जो है साफ साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, मेरे को मतलब पीना पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है और ये लोग जो है अपनी मतलब अपनी जी वैगन लेके जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इनकी जो जी वैगन है वो रोड पे मतलब सुनसान रोड पे जा रही होती है और धुआंधार मतलब भरती हुई जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जो है मतलब गांव के बीचों बीच से जा रहे होते हैं और लिन जो है ये इस मतलब गांव विलेज देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ली चौहान इससे पूछ रही होती है क्या तुम सरप्राइज हो मतलब ये रोड वगैरह देख के और यहाँ पे गांव वगैरह देख के। तभी हम देखते हैं लिन कह रहा था कि हाँ वैसे मैं हॉस्पिटल गया था, और वो कह रहा था कि यहाँ पर लोग बाग बहुत ही कम जीते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिन ऐसा कुछ बता रहा होता है, कह रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से वैसे भी यहाँ पर रोड और स्कूल बनवाने के लिए आया हूँ। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं उन लोगों के सपने चूर चूर नहीं कर सकता। अब वो जैसे ये बोलता है ना वैसे ली चौहान अचानक सडनली जो है गाड़ी की ब्रेक मारती है और लिन का जो सर होता है ना वो ठुक जाता है। वो कह रही होती है क्या तुम सच में यहाँ पे स्कूल और रोड बनवाने के लिए आए हो कसम से? अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। फिलहाल लिन कह रहा होता है कि हाँ लेकिन तुम इतना सरप्राइजली मेरे को अचानक ब्रेक क्यों मारा तुमने, मेरे चोट लग गई। लिन कह रहा था कि बस यहाँ पे बिल्डिंग ही तो बनानी है, मतलब स्कूल ही तो बनवाना है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है थैंक यू सो मच, मैं उन सभी बच्चों के बिहाफ पे तुम्हें थैंक्स बोल रही हूँ जो कि मतलब स्कूल में जा नहीं सकते। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर लिन जो है इसे मतलब इसका मुंह उठाता है, कह रहा था कि अच्छा तो फिर ठीक है, फिर थैंक यू, वो कंसीडर करो जो कल रात को हमने किया था। अब वो ऐसा मतलब छेड़ रहा है इसे और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं ली बोल रही होती है कि इससे ज़्यादा तो खतरनाक मेरे को वो सामने वाले बंदे दिखाई दे रहे हैं, देखो जरा उन्हें कितने प्रिटी लग रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मच्छी बाजार लगा होता है जो कि बहुत सारे पीपल होते हैं मतलब इन लोगों के सामने। अब जैसे ही इनकी गाड़ी रुकती है ना यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे मछली वगैरह मतलब मछली का बाजार होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। लिन कह रहा था कि अरे हटो यार मेरे को जाने दो यहाँ से, रास्ता दो हमें। अब लिन जो यहाँ पे गुस्सा करता है वो बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं सारे सारे आ चुके होते हैं इसके पास और कह रहे थे कि ए भाई मछली ले लो, मछली ले लो, रिवर के पास से हमने नई नई मछली पकड़ी है, जल्दी ले लो, ये ताज़ी ताज़ी मछली है, गारंटी तुम्हें बहुत पसंद आएगी, तुमने कभी सिटी में देखी नहीं होगी। अब यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। लिन कह रहा था है, क्या ये नई मछली, इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तुम कह रहे हो तुमने अभी पकड़ा है इसे? फिलहाल हम देखते हैं लिन जो है नाक पे उंगली डाल देता है और ये लड़की कहने लगती है कि अरे तो मछली है, मछली में से मछली की तो स्मेल आएगी, तुम बस खा के देखो तुम्हें मजा आएगा, तुम बस खरीद लो। लिन यहाँ पे हैरान हो चुका होता है, कह रहा था क्या क्या बकवास कर रही हो यार ये। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि यार हटो मुझे जाने दो। लिन कह रहा था कि देखो हमें बहुत सारे काम करने हैं तो तुम हमें जाने दो, प्लीज़ हट जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं सारे सारे आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि अगर मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुमने अगर मछली नहीं ली ना तो तुम जा नहीं सकते यहाँ से। फिलहाल सबके सब जो आंटियाँ होती हैं वो मछली लेके आ चुकी होती है। अब जो ली चौहान होती है वो कह रही होती है कि ये यार ये लोग सच में मतलब अपनी सोसाइटी की डिसरिस्पेक्ट क्यों करा रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि तुम जरा मेरे को स्विच कराओ। अब हम देखते हैं लिन जो है मतलब गाड़ी स्विच कर रहा होता है, मतलब खुद ड्राइव करने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए वो सीट बेल्ट वगैरह लगाता है और कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूँ, अगर तुम में से कोई सा नहीं हटाना फिर मेरे से मत कहना तुम लोग के साथ क्या हुआ। अब लिन यहाँ पे धमकी दे रहा होता है, कह रहा था कि देखो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। बट हम देखते हैं सारे सारे गुस्से में आ जाते हैं और कह रहे थे कि अच्छा बच्चे तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे चला जा सकता है हमारे यहाँ से? वो कह रहा था कि अगर तूने मछली नहीं ली ना तो बेटा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे बोलने होते हैं, बट हम देखते हैं लिन जो है अपनी जी वैगन की गाड़ी की स्पीड तेज करता है और मतलब एक्सेलरेटर पर पैर मार के भगा देता है। फिलहाल ले भैया इसने तो सबकी जो ठेले वाले को सबको उड़ा दिया। फिलहाल हम देखते हैं सारी सारी मछली जो है नीचे गिर जाती है और बेचारी तड़प तड़प के मर जाएंगी और क्या। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वो बंदे गालियाँ दे रहे होते हैं लिन को, कह रहे थे कि तू अब भाई गाली तो मैं दे नहीं सकता, खैर वो बोल रहे होते हैं कि तू कुत्ते के बच्चे मतलब यही सब बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि तू जहाँ मिलेगा हम वहीं आएंगे तो ये छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि यार ये लोग सच में कितने टफ हैं यार, इन लोगों को जैसे डील कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल हम देखते हैं वो एक जगह पर आके रुकता है और यहाँ पर जो ली चौहान होती है वो कह रही थी कि तो बताओ वैसे ठीक है। अब वो उसे बता रही होती है, कह रही थी कि देखो मैं मानती हूँ यहाँ पे ये लोग काफ़ी ऐसे ही हैं तो इन लोगों की सिचुएशन ऐसी है यार। लिन कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जब यहाँ पे स्कूल बन जाएगा। अब हम देखते हैं लिन की गाड़ी जो है मतलब विलेज से होती हुई जा रही होती है बिकाऊ टाउन के पास। तभी हम देखते हैं लिन जो है अपनी गाड़ी रोक लेता है क्योंकि ये लोग जो है ली चौहान की मम्मी के पास मतलब
मम्मी की जो कब्र होती है उनके पास आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं ली चुहान आती है और बस देख के मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है यहाँ पे, और लिन भी इसके साथ साथ आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो सामान वगैरह लेकर आई होती है अपनी मम्मी के लिए, और हम देखते हैं वो दीपक वगैरह ये सब, दीपक तो नहीं खैर वो अगरबत्ती जला रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे आके बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो रही होती है। अब वो कह रही होती है कि देखो मैं ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहना चाहती हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या ये ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए ओके है ये? अब ये लिन से पूछ रही होती है। लिन कह रहा है कि ठीक है ठीक है। फिलहाल वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लिन यहाँ से चला जाता है और कुछ बोलता है नहीं। ली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है, क्योंकि भाई इसकी मम्मी ने ना इसके लिए बहुत सारी मेहनत करी होती है इसे डॉक्टर वगैरह बनाने में और इसे स्कूल भेजने में। फिलहाल 10 मिनट के बाद हम देखते हैं लिन आ चुका होता है यहाँ पे, और जो ये लड़की होती है ना ये लिन को बता रही होती है, कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है मैं ना हमेशा अपनी मम्मी के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो जब भी पिटती थी तब भी मेरे को स्कूल भेजती थी, मतलब हमारे पास पैसे वगैरह नहीं होते थे फिर भी वो मेरे को पैसे भेज दिया करती थी। अब ये लिन को बताती है कि पता है जब मेरी मम्मी गई तो डॉक्टर ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना लिन भी यहाँ पे इमोशनल हो जाता है, और भाई हम देखते हैं जो ली होती है उसकी आँख से आंसू गिर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिन जो है इसके आँख से आंसू पोंछ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं तभी जो ली चौहान होती है वो लिन को हग कर लेती है। अब ये इमोशनल डैमेज देख के भाई मैं क्या बोलूँ, मैं तो पिघल गया यहाँ पे। हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि लिनी मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपनी मम्मी की। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, ऑब्वियसली यार करना भी चाहिए। फिलहाल लेन यहाँ पे बस इसे सहानुभूति दे रहा होता है, क्योंकि भाई वो खुद ही कनात है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि हेलो आंटी आप चिंता मत करो। लिन कह लगता है कि देखो आप चिंता मत करो, अब से ली चौहान का मैं ख्याल रखूंगा। भाई लेकिन एक मिनट, लेकिन तो किस किस लड़की का ख्याल रखेगा यार, येन भी है, लियांग भी है, अब ये लड़की भी। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है, अब लिन के कंधे पे मतलब सर रख के रो ही रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब लिन यहाँ पे मतलब इसे कम्फर्ट दिला रहा होता है, कह रहा था कि चलो ठीक है चिंता मत करो। अब वो कह रहा था कि देखो मैं तुम्हारी मम्मी का जो ये है ना कब्र, इसे हम चंगाई शिफ्ट कर देंगे, फिर तुम जब मर्जी जब तब मिल लेना। लेकिन तभी हम देखते हैं इसके पीछे जो आवाज़ मारता वो आ रहा होता है एक लड़का, वो कह रहा था कि बहन बहन फिलहाल मैं बता दूं ये इसका भाई है, और इसकी शक्ल भाई कुछ ज़्यादा चिंपैंजी जैसे नहीं मिलती। अब वो इसका भाई होता है और सगा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उस बाइक पे आ रहा होता है। अब लेन इससे पूछ रहा होता है, कह रहा है क्या ये जो बंदा है ये तुम्हारा भाई है, और क्या ये भी तुम्हारी मम्मी के कब्र के पास आता रहता है? अब लेन इससे पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो बता रही होती है कि हाँ ये मेरा भाई तो है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ये अपनी मम्मी के पास आता है कि नहीं आता। तभी हम देखते हैं वो आ रहा होता है, कह रहा था कि बहन बहन फाइनली मुझे पता था तुम मिलोगी। अब हम देखते हैं ली चौहान पूछ रही होती है, कह रही होती कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पे आते हो, लेकिन तुम तो कुछ लेकर आए नहीं मम्मी के लिए, बताओ जरा। अब ली चौहान यहाँ पे डांटते हुए उससे पूछ रही होती है, वो कह रहा होता है कि अरे मैं तो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। हम देखते हैं उसका हाथ मिलाता है और कह रहा होता है कि देखो क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकती हो। वो कह लगता है कि मेरे को खेती करनी है, खेती करने के लिए मेरे को बीज चाहिए और उसके लिए मेरे को पास पैसे नहीं है। बट हम देखते हैं ली चौहान इसका हाथ छुड़ा लेती है, कह रही होती क्या क्या बोला, देखो ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस है तो इसमें मेरे को मत घसीटो, ठीक है, और मैं तुम्हारा पैसे देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ठीक है समझे ना, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। अब वो साफ साफ मना कर देती है। बट हम देखते हैं उसका लड़का क्या मतलब जो बंदा है वो कहने लगता है देखो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम मेरे से मतलब क्यों बाध्य नहीं हो। वो कह रहा था कि देखो अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, जब शादी होगी तब तुम्हें ना चंगाई में एक घर खरीद के देना पड़ेगा। अब वो बंदा ऐसा बोल रहा था, बट हम देखते हैं ली चौहान कह रही होती है क्या तुम्हें पता भी इतने सालों से तुम कहाँ आते हो, मैंने तुम्हें इतने सालों से पैसे दिए हैं, अब मैं और पैसे नहीं दे सकती। वो कहने लगती है कि देखो तुम मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें ना जुआ खेलना है ना, तो तुम बस बीजों का बहाना मार रहे हो। बट हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं मेरे को जुआ हुआ नहीं खेलना, मैं तो जुआ खेलता ही नहीं। वो कह रहा था कि देखो क्या तुम सहन कर सकते हो जो हमारी भूमि है वो मर जाएगी और सूखा पड़ जाएगा, बताओ जरा। अब वो बंदा मतलब इमोशनल करने लगता है, कह रहा था कि क्या तुम सेटिस्फाई होगी कि मैं और हमारे जो तुम्हारे पापा हैं वो मर जाएं, बताओ जरा घर पे। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, कह रही थी क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली, मैं तुम्हें कितना पैसे दूँ बताओ जरा मेरे को, मैं नहीं देने वाली। बट हम देखते हैं वो कह रही थी, वो कहने लगता है क्या तुम अभी भी ह्यूमन बींग हो कि नहीं हो, है क्या तुम अभी अभी हमारी हेल्प नहीं करोगी, सच में हमने एक कूड़े को पाला है इतने सालों से। अब वो जैसी ये बात बोलता है वैसे ही हम देखते हैं जो ली होती है वो उसे थप्पड़ दे के मारती है और कह रही होती है कि देखो पहली बात तुमने मेरे को नहीं पाला, जब से मैं बच्ची थी ना तब से मेरे को मेरी मम्मी ने पाला है, ठीक है ना, तो तुम्हारा ये हक बनता ही नहीं है कि तुम मेरे को कहो कि तुमने मेरे को पाला है या फिर तुम्हारे पापा ने मेरे को पाला है। वो कहने लगती है कि देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम इस टोन से मेरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है कर सकती है। अब वो बंदा कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। वो कहने लगता है कि देखो मैं हॉस्पिटल आऊँगा, तुम्हारे लीडर से बात करूँगा और तुम्हारी जो पोजीशन है ना उसे हटा दूँगा। वो कह रहा था कि देखो तुम गई अब। बट हम देखते हैं पीछे से लिन आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, कह रहा था कि ऑल राइट ठीक है चुप हो जाओ यहाँ पे। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो ये सही समय नहीं है यहाँ पे बात करने का। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलते हैं ना वैसे ये बंदा कह रहा था कि देखो ये तुम्हारा फ्रेंड काफ़ी अच्छा है, इसे पता है डिजास्टर को पैसे दे कैसे रोका जा सकता है। वो कहने लगता है कि देखो
सही हुआ ये सही टाइम पे आ गया, मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब नहीं करूँगा। अब ये बंदा ऐसा बोल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि देखो यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कब्र है। वो कह रहा था कि चलो तुम्हारे घर पे चल के बात करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं बंदा कह रहा था कि हाँ ठीक है फिर तुम ना अपनी कार से आओ, मैं अपनी बाइक से आता हूँ। बट हम देखते हैं लिन इसे साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि ठीक है तुम ना मेरे साथ मेरी कार में चलो, चलो आओ बैठो कार में। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं ये लोग जो है कार से मतलब इसके घर पर जा चुके होते हैं, मतलब ली चूहान के और इसके भाई के। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जैसे ही लगा के अपनी गाड़ी रोकते हैं ना, वहाँ के आसपास के जो माहौल होता है मतलब वहाँ के जो बंदे होते हैं वो कह रहे थे कि वाह क्या लग्जरी कार है, वाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं बंदे। फिलहाल लिन कह रहा था कि क्या ये तुम्हारा घर, मतलब तुम्हारा घर है ये। अब हम देखते हैं वह जैसे ही घर को देखता है ना वैसे ही लात दे के मारता है। फिलहाल ये किसी के घर को ऐसे लात कैसे मार सकता है यार, दया बनना है ये तो। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है कि हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये एक बंदा है जो कि बोल रहा होता है। फिलहाल एक बंदा जो कि इसके पापा होते हैं वो कह रहे थे कि आखिर तुम कौन हो बताओ जरा। अब ये ली चौहान के फादर है। फिलहाल हम देखते हैं लेन कह रहा था कि अच्छा, फिलहाल यहाँ पे वाइन की बोतल पड़ी होती है। वो कह रहा था कि अच्छा तो तुम हो जो ली चौहान से पैसा मांगते हो इतने सालों से। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि और नहीं तो क्या, क्या वो मैं उसका पापा हूँ ठीक है, तो क्या मैं पैसे नहीं मांग सकता, क्या मेरा इतना हक नहीं बनता, बताओ जरा मेरे को, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अभी बंदा जैसे ही बोलता है ना वैसे ही हम देखते हैं लेन जो है चाकू निकालता है। अब इसके पास चाकू कहाँ से आया मेरे को ये बताओ पहले। फिलहाल हम देखते हैं वो चाकू फेंक के मारता है इसकी वाइन की बोतल पे, और वो बंदा कह रहा था कि अरे तुम क्या कर रहे हो ये बताओ जरा। अब हम देखते हैं लेन जो है इसके मतलब शराब वरा पे चाकू फेंक के मारता है, कह रहा था कि देखो आगे से तुम कभी भी इससे पैसे नहीं मांगने वाले ठीक है ना, और मैं तुम्हें बता दूँ अगर तुमने फिर से पैसे मांगे ना तो माउंटेन में जाके गड्ढा करूंगा और तुम्हें वहीं पे जाके गाड़ दूंगा ठीक है, विश्वास करो या फिर मत करो। अब लिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ये बंदे कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो भाई, कौन हो तुम, जरा उसकी बताओ जरा मेरे को। अब ये बंदा पूछ रहा होता है, बट हम देखते हैं लिन क्या उसकी कमर में हाथ डालता है ली चूहान के और कह रहा था कि मैं इसका आदमी हूँ। हाँ भाई तू सबका आदमी है। फिलहाल हम देखते हैं लिन यहाँ पे बोल रहा होता है, कह रहा था कि आगे से अगर तुमने इससे पैसे मांगे या फिर तुमने इसे परेशान किया मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ूंगा नहीं। अब लिन यहाँ पे मतलब ये बोल के मतलब चला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन बाहर आता है, कह रहा था कि तो बताओ अब सारा काम निपट गया तो चलो अपना बिजनेस करते हैं। अब लिन यहाँ पे ये सब बोल रहा था तभी हम देखते हैं बाहर जो है बहुत सारी भीड़ आ जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आ चुके होते हैं। वो कह रहे थे कि अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अब लिन उन लोगों को देख रहा होता है, अब ये इतने सारे बंदे मतलब गाँव के बंदे कहाँ से आ गए। अब हम देखते हैं लिन इससे पूछ रहा था, कह रहा था कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग को फिर से मछली बेचनी है। अब लिन यहाँ पे पूछ ये बता रहा था, कह रहा था कि तुम्हें फिर से मछली बेचनी है। वो बंदे कह रहे थे कि अच्छा तुमने हमारी फैमिली का जो बिजनेस है ना वो ख़राब कर दिया और मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया उसके चक्कर में, अब चलो हम लोग खरजाना लेने के लिए आए हैं। अब हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसके हार्ट अटैक आ चुका होता है। वो कह रहा था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। अब वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है। फिलहाल हमें मैं बता दूँ जब लिन ने इनकी मतलब बाजार में मतलब गाड़ी चढ़ा दी थी और सारी मछली बेकार कर दी थी तो ये उसका बिजनेस संभालता होगा, मे बी इस चक्कर में से हार्ट अटैक आ गया। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे इसी चक्कर में आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि चलो हर जाना भरो। अब यहाँ पे जो ली चूहान होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ जरा। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा था कि हटो साइड हटो सारे, अब ये चप्पल में आया होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा मतलब फुल स्टाइल में मारता हुआ आ रहा होता है। अब ली चूहान का भाई कह रहा था कि ब्रदर सन आप यहाँ पर, वाह। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बंदा कह रहा था कि लुकाय। अब ये मतलब ली चूहान के भाई से कह रहा था कि देखो मैंने सुना तुम्हारी बहन यहाँ पर आ गई, वाह अच्छी बात है। फिलहाल ये बंदा कह रहा था कि देखो जरा वो कितनी ब्यूटीफुल है, वाह। अभी इसका जो भाई है ना ली चूहान का वो कह रहा था कि हाँ हाँ सही कहा तुमने, मेरी बहन आ गई, वो मेरी बहन है। ये बंदा कह रहा था कि चलो चलो ठीक है तुम्हारा मैटर हो गया खत्म, अब तुम्हारा ही बिजनेस नहीं है तो चलो चलो अपना काम से काम मतलब रखो। अब वो बंदा कहने लगता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए हो बताओ जरा मेरे को, ये बंदा बोल रहा था इन लोगों से। वो कह रहा था कि डियांग देखो इन लोगों ने मेरी फैमिली का बिजनेस जो है फेस स्टॉल वो ख़राब कर दिया तो हम बस वही मतलब हरजाना लेने के लिए आए हैं बताओ जरा। अभी बंदा मतलब इससे कंप्लेन करता हुआ कह रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अच्छा तो किसे पता था तुम भीखाओं में ऐसे फंस जाओगे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिश स्टॉल, वो कह रहा था कि तुम्हें पता भी है फिश स्टॉल पे मेरे भी शेयर थे। वो बंदा कह रहा था कि चलो ठीक है तुमने मेरा भी बिजनेस ख़राब कर दिया। अभी बंदा मतलब इसका बिजनेस कहाँ से आ गया और इसका शेयर कहाँ से आ गया। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा होता है अच्छा अभी तक तो तू आया नहीं था तेरे शेयर भी आ गए। अब लिन यहाँ पे कह रहा था कि ठीक है फिर तुम थोड़ा साइड हटो। अब लिन जैसे ये कह रहा था कि तू थोड़ा साइड हट, मैं बताता हूँ तेरे को। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अच्छा तुझे क्या लगता है कि मैं साइड हट जाऊँगा फिर तू यहाँ से चला जाएगा। अभी बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन हम देखते हैं स्टाइल मारता हुआ कह रहा था कि देखो मैं तेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। वो कह रहा था कि देख मेरे से बस 200 युआन ले और एक रात के लिए बस दे दे। वो बंदा कह रहा था कि ये मैटर यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिलहाल इसके मुंह से लाल टपक रही होती है। अब ली जो ली चौहान होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है, कह रही थी कि तू, लेकिन हम देखते हैं तुरंत जो लिन होता है वो जो थप्पड़ दे के मारता है, कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि जाग जा सपना मत देख ठीक है खुली आंखों से।
अबलिन ये ऐसे दिन में तारे दिखा देता है और कह रहा है कि तू सपना देखेगा है। फिलहाल हम देखते हैं बंदा क्या रहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। वो बंदा क्या रहता है कि रुक जा, मैं अभी अपने पापा को कॉल लगाता हूँ, वो किसी को भेजेंगे ताकि तेरे को अरेस्ट कर दिया जाए। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद हम देखते हैं उसके जो फादर हैं वो आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि बेटा रुक जा लियांग, मैं आ रहा हूँ, बता जरा क्या हुआ। फिलहाल हम देखते हैं उसके साथ में पुलिस वाले भी होते हैं जो कि भागते भागते आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा जैसे लेन को देखता है ना, वो कह रहा था कि अयो मिस्टर लेन, मैंने आपको ढूंढ लिया। फिलहाल उसका लड़का जो है बैठ मतलब गाल से हिला रहा होता है। लेन कह रहा था कि क्या तुम मेरे से वो ढूंढना चाह रहे थे क्यों? लेकिन फिलहाल लेन कह रहा था कि देखो मैं तुम्हारे टाउन में और नहीं रहना चाहता। और लेन साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि देखो तुम लोगों से मतलब ये सारे लोग गाँव के लोग नहीं संभाले जा रहे और तुम्हारा लड़का मतलब मेरे को अरेस्ट करने के लिए बंदे बुला रहा है। तभी हम देखते हैं बंदा बहुत ज़्यादा सौगड़ हो जाता है, कह रहा था कि मिस्टर लिन यहाँ पे ना रोड और स्कूल बनवाने के लिए आए हैं, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने ही लड़के को थप्पड़ मारने लगता है, कह रहा था कि तू हमारी मतलब बिकाओ टाउन की बेइज्जती करवा रहा है लड़के। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था क्या ये स्कूल और रोड बनवाने के लिए आए हैं। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा सौगड़ हो चुका होता है, साथ में जितने मतलब बहुत सारे जो गाँव के लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सौगड़ हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि आखिर ली चौहान को आखिर इतना अमीर इंसान मिला तो मिला कैसे, आखिर कहाँ से ढूंढ लिया इस बंदे ने। फिलहाल ये इसका भाई होता है जो कि यही सब सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर लेन देखो मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। वो कह रहा होता है कि देखो मेरे को नहीं पता कि आप डिसअपॉइंटेड हो कि नहीं, आप निराश हो मेरे से कि नहीं, लेकिन वो माफ़ी मांग रहा होता है। लेन कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग जो है इन सारे लोगों को मतलब निपटा लोगे। वो लिन कह रहा था कि देखो मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो है यहाँ पे परेशानी खड़ी करें, नहीं तो फिर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि हाँ ठीक है आप चिंता मत करो, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। वो कह रहा था कि चलो आप कार में जाके बैठो और आराम से बात करते हैं। ये बंदा लिन को कार में बैठने के लिए कह रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई देता है जहाँ पर ये लोग जो है होटल में आ चुके होते हैं। अब हमें यहाँ पर इतना डिलीशियस खाना देख के मतलब मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन यहाँ पर नॉनवेज क्यों दिखा रहे हैं यार, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है देखने में। ये बंदा कह रहा था कि देखो क्या मिस्टर लिन हम लोग रिपोर्टर वगैरह को बुलाएं पब्लिसिटी के लिए। लिन साफ साफ मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लिन कह रहा था कि देखो जब तुम पब्लिसिटी करो ना तो करना कि जो ये सब काम है लिंगयन ग्रुप ने नहीं किया, और बस ये कहना है कि चोंगसिंग ग्रुप ने किया है। फिलहाल मैं बता दूं ये यैन का ग्रुप है, और मतलब यैन का ही ग्रुप है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो हमारे ग्रुप का नाम मत लेना ठीक है। वो बंदा कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, ये सारा जितना काम है ना ये सारा चोंगसिंग ग्रुप ने किया है। अभी बंदा ये सब बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि ठीक है। अब लिन कह रहा था कि देखो मैं कंस्ट्रक्शन साइड पर, मैं सॉरी बोल नहीं पा रहा, लिन कह रहा था कि वहाँ पर मैं एक बंदे को भेज दूंगा जब टाइम आएगा तो ठीक है, तुम उसके साथ में नेगोशिएट कर लेना। वो बंदा कह रहा था कि हाँ आप चिंता मत करो। अब वो कह रहा था कि कोई बात नहीं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देख ये लोग बाय टाटा कर रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा था कि हैव अ गुड ट्रिप, लिन कह रहा था कि गुड बाय। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग अपनी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे एक ली चौहान जो है गाड़ी चला रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी शीशे में देखते हैं ना अपनी सिटी को मतलब अपने गाँव को, वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिलहाल हम देखते हैं लिन इसका हाथ पकड़ता है, कह रहा था कि देखो चिंता मत करो ये सब पास था ठीक है। अभी ली चौहान यहाँ पे गाड़ी चला रही होती है, कह रही थी कि हाँ ठीक है वैसे ही मेरी मम्मी को तुमने मूव करा ही दिया है तो मैं अभी इस गाँव में नहीं आऊँगी। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिन जो है अपनी मतलब अपने ग्रुप पे आता है लिंगयन ग्रुप पे, और वो कह रहा था कि देखो मैंने तुम लोगों के लिए सामान लेके आया हूँ बिकाओ से। अब लिन यहाँ पे खुश होता हुआ और सामान लेके आता है। फिलहाल हम देखते हैं वो युवान कह रही थी कि बॉस आप यहाँ पर आ गए तो बताओ बिकाओ टाउन का आपका घूमना हुआ कैसा लगा। लिन कह रहा था कि देखो हर जगह वहाँ पे ना मतलब हर कोई बस गरीब है। लिन कह रहा था कि चलो सही है हम यहाँ पे स्कूल बनवा रहे हैं और ऐसी चीज़ें वहाँ पे डेवलप होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बेकार ही पिछड़ा एरिया है। लिन यहाँ पे ये सब बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा है वो कह रहा था कि डोंट वरी चिंता मत करो हमने सब कुछ अरेंज कर दिया है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो जो बिकाओ टाउन पे जो मतलब स्कूल है ना वो 3 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। अब लिन यहाँ पे खुश हो जाता है, कह रहा था कि चलो ठीक है। अब हम देखते हैं लिन कह रहा था कि तो बताओ चंगाई के अंदर जो सिस्को है वो उसकी फाइनल पेमेंट कब है। अब लिन से पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं युवान कह रही होती कि हाँ ठीक है मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। अब हम देखते हैं युवान कह रही होती कि हाँ मेरे को पता चल गया। वो कह रही होती कि हम लोग की कम से कम जो टोटल पेमेंट है वो 2.5 बिलियन की है और हमें कल प्रिपेयर करनी है ये सारा पेमेंट। अब लिन कह रहा था कि ठीक है फिर। फिलहाल हम देखते हैं लिन कह रहा था कि चलो ठीक है फिर जो सिस्को है उसे मैं अब डुबा के मानूंगा। अब भाई मेरे को भी देखना है कि आखिर सिस्को को कैसे डुबाता है क्योंकि भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है, मजा आएगा। लिन कह रहा था कि देखो कल जब टाइम आएगा ना तो तुम लोग जो है कंपनी मत आना, तुम लोग जैन चंग चले जाना ठीक है वहां पर फॉर्मल ड्रेस में ठीक है, मैं तुम्हें एक शो दिखाऊंगा। ये लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक है हम समझ गए। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब सिस्को कंपनी का सीन दिखाई देता है जहां पे वो बंदा कह रहा था कि डैड कल मजा आएगा क्योंकि लॉन्चिंग जो है लॉन्च करने वाला है अपना पहला चिप टेक्नोलॉजी। अब वो कह रहा था कि देखो आपने क्या रिपोर्टर वगैरह रेडी कर लिए।
फिलहाल यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि जो पेटेंट है वो इन लोगों के पास है, बट ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड कह रहे थे कि अरे बेटा चिंता मत कर, ये सारे काम तो मैंने बहुत पहले ही कर लिए हैं, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग कह रहा होता है कि हाँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि चलो देखो आप बस चिंता मत करो, जैसे वो टेक्नोलॉजी 1.0 लॉन्च करेंगे ना वैसे ही उन लोग को मतलब मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी उन्हें मिला क्या, उन्हें जिंग क्यू ग्रुप मिला है जो कि लॉन्च करवाने उनकी सहायता करेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो उसका जो पिता होता है वो कह रहा था कि अच्छा तो तुम बताओ तुमने पेटेंट वगैरह सब कुछ ले रखा है, बताओ जब टाइम आएगा तब हम लोग जो है ना मिट्टी में मिला देंगे ना। अब उसका जो लड़का है वो कह रहा था कि हाँ डैड चिंता मत करो मैंने सब कुछ कर दिया है, अब जैसे ही वो लॉन्च करेंगे ना कल मैं उन्हें बिल्कुल ज़मीन पर मिला दूंगा। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सिटी का दिखाई देता है, मतलब एक हमें ग्यानचिंग सिटी दिखाई देती है, मतलब जो जहाँ पे लियांग रहती है ना उसका प्लेस दिखाई देता है। फिलहाल हमें लियांग का मतलब घर वगैरह दिखाई देता है जहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं मतलब गाड़ी में बैठ के। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने होम टाउन पर आ चुके होते हैं। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि वो लोग गाड़ी से आ रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल हमें उस लियांग की मम्मी और उसके फादर दिखाई देते हैं, तभी हम देखते हैं ये लोग जो है घर पे आ चुके होते हैं और हमें मतलब यहाँ इसके घर में मतलब बहुत सारी अचीवमेंट दिखाई देती है, मतलब इतने सारे मेडल और इतने सारे सर्टिफिकेट, इससे ज़्यादा तो वैसे मेरे पास है। फिलहाल हमें लियांग की दादी माँ दिखाई देती है जो कि कह रही थी कि अरे तुम लोग इतनी लेट आए, चलो जल्दी आओ हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं बहुत देर से। फिलहाल हम देखते हैं ये कह रही थी कि तो बताओ चंगहाई में तुम्हें मतलब लियांग का पार्टनर मिला। फिलहाल ये जो दादी माँ है ना इनका मेन रोल होता है मतलब सारे प्रोजेक्ट वगैरह में। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी आके बैठती, कह रही थी कि हाँ मैंने रिसेंटली अभी लेनी से मिली, उसका नाम लेनी है, वो कह रही होती कि मैंने उसके साथ खाना भी खाया है, वो काफ़ी यंग है और काफ़ी ठीक ठाक बंदा है, वो कह रही होती कि वो काफ़ी अच्छा भी बोल लेता है। उसकी दादी माँ कह रही थी कि चलो थैंक यू, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर, बट हम देखते हैं उसकी मम्मी साफ साफ मना कर देती है, कह रही थी कि लेकिन मॉम मेरे को नहीं लगता कि ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। अब ये क्यों बोल रहे खैर पता चलेगा आगे। तो इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है, तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा।